कानून जी बनाने वाले कानून का पाठ पढ़ाने वाले अगर गलत कर बड़ा शर्म वाली गल अगर इस कंट्री कोई डेवलपमेंट होने लगी है कोई अच्छे ऑफिसर आन अच्छी कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनी है ते कोई डेवलपमेंट के खिलाफ हैं जो लोग कटरा विकास के खिलाफ हैं जो लोग आखेंगे शरारती तत्व न जेडे के शरारती तत्व न कटरे का सुधार नहीं होने देंगे और अफसर कहने कोई बदतमीज कहने पेश आते हैं एफ आर आई लाते हैं कोई इमानदारी नहीं आखन उन्हें आखन के शरारती तत्व न जेडे के कटरे डेवलपमेंट या कटरे सुधार की रोकने वाले न साथियों असें अपने आप कमजोर नहीं मनना असें अपनी ताकत यह दसी नहीं ए खाली एक टेलर है छोटा जहा अज कुछ डिपार्टमेंट ही कट्ठे हुए थे जिया मैं तुसें अपने दफ्तर भी सुनाई चुके हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सारे मुलाजम एक इस वे कि जड़ा भी साढ़े एडमिनिस्ट्रेटर कन्ने मैडम कन्ने बदसलूकी की गई है जाके एफ आर आई लाया गया है अगर उसी अज ही वापस नहीं लेता तो कल पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल जरा हर डिपार्टमेंट का मुलाजम हड़ताल उपर होगा इस गल कोई दो राय नहीं सियाने है डोगरी का मुहावरा जिया जिया कंबल सिजदा उ भारा साथियों अगर इस चीज की गवर्नमेंट ने पुलिस विभाग ने वापस नहीं लेता जल्दी कोला जल्दी कोई गौर नहीं किया तो कल की पूरा स्टेट भी यह जहर फैली सकता अच्छे ईमानदार अफसर ने बदतमीजी करना कोई ऐसे चीज की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके तो मैं तुम्हें ज्यादा वक्त ना लेंदे हो इन्ना अच्छा काम करा रहे हैं और अस भी शाना बजाना उन्दे कने चले हैं साढ़े सामने का वाकया है कि होया कि नहीं होया और उन्दे खिलाफ अगर वह हिम्मत करी सकते कि हाँ जी एक ईमानदार मैडम के खिलाफ अगर वह एफआईआर लगाई सकते तो उन्दे वास्ते बाकी जिन्ने भी मुलाजम ने उन्दे वास्ते एक बड़ी बेइज्जती की गल है और अस उन मैडम ही अस सुनाना चाहते हैं कि अस तुहाड़े कन्ने हैं खलोते रहे हैं और शाना बजाना अस तुहाड़े कन्ने चलना चाहते हैं क्योंकि तुसे ईमानदार अफसर हो और जिया कि तुम पहले हालात देखते अज को 20-25 साल पहले साढ़े इंक्रोचमेंट इन ही सफाई की स्थिति पहले देख रहे अज स्थिति जमीन और आसमान का फर्क है और मैडम का जिंदा भी एफआईआर लगी हुई है और ना कि सिर्फ मैडम ही हरासमेंट करने की गल है और जो मुहिम मैडम ने चलाई थी इंक्रोचमेंट ही लई है और सिर्फ उसी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और इसी डाइवर्ट नहीं होने देगी अस बिल्कुल भी और जिन्ना भी जद्दोजहद करिए अस ये मांग करने हैं गवर्नमेंट को अस मांग करने हैं जिन्हें भी एफआईआर लाई दी है कि एफआईआर के ना कैंसल किया जाए और विड्रा किया जाए अगर वो नहीं करेंगे कल इतने नहीं कल रियासी पूरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर भी पूरी कैनेडा जिन्नी भी है म्यूनसिपैलिटी है अस कोशिश करके कि सारी जगह हड़ताल होए और जिन्ना भी जिम्मेवार गंद पवे जिन्ना भी जिम्मेवार कैनेडा होग और जिन्हें एफआईआर लाई दी है इनके जिम्मेवार वो होंगे चाहे यात्रियों की परेशानी हो चाहे कुछ भी भाइयों बहनों आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है अभी हम काम छोड़ हड़ताल नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ आज हमारा प्रोटेस्ट है जो अगेनेस्ट एसडीएम एफआईआर जो दर्ज की है वो एक हमारे हिसाब से जेन्युइन नहीं है जो हम चाहते हैं कि ये एफआईआर वापस ली जाए विथड्रॉ की जाए ताकि जो एनक्रोचमेंट का जो एक गवर्नर साहब ने डिसीजन लिया है वो अपने लेवल पे सही मुकाम पे पहुंच सके हम चाहते हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसको 24 घंटे के अंदर वापस ली जाए नहीं तो कल से हमारी जो काम शोध हड़ताल सैनिटेशन खिलाफ वर्जी सेक्शन ऑफिस कैटल पॉन्ड जितनी भी हमारी म्यूनसिपलिटी की सेक्शंस हैं ये कल से 24 घंटे के अंदर अगर एफआईआर दर्ज जो की हुई वापस नहीं होती है वो कल से हम पूरी स्ट्राइक करेंगे प्रोटेस्ट भी करेंगे धरने भी देंगे हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि ये एफआईआर फौरन इमीडिएटली विड्रॉ की जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को एक पूरा सही काम करने का मौका मिले।